राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल जाने वाले हैं। लगातार चारा घोटाले के कई मामले उन पर हैं, जिसमें कई मामलों में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने समीकरण में बदलाव किया, अब वही समीकरण के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। एक तरफ जहां ए टू जेड की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहीं से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे जैसे जैसे अंजाम की ओर बढ़ रहा है, राजद अध्यक्ष को जेल से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। अब हाजीपुर न्यायालय में उनके खिलाफ जो केस चल रहा था वो अहम पड़ाव में है। इस केस ऐसे मसले को लेकर है जो तेजस्वी यादव के लिए हालात को असहज कर देगा। तेजस्वी यादव ए टू जेड जिस फॉर्मूले के साथ रास्ता बना रहे हैं ठीक उससे उल्टा है, और लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर वो केस दर्ज हुआ था। अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी स्मिता राज ने न्यायालय में एक आचार संहिता उल्लंघन मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उपस्थित हुए। इस दौरान न्यायालय ने उनके विरुद्ध आरोप गठन किया। बताते चले कि 15 में बिहार चुनाव के दौरान गंगा ब्रिज थाने के तेरसिया गांव में उनके भाषण के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को पिछड़ी जाति और शरण जाति के बीच सीधी लड़ाई जो की बातें जो कही थी, इसके खिलाफ उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसे आचार आदर्श संहिता के प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताते हुए राघोपुर के सीओ निरंजन कुमार ने गंगा ब्रिज थाना में लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध कार्रवाई की जो प्राथमिकी है वो दर्ज कराई थी। इस मामले में 2 अक्टूबर 2015 को आरोप पत्र समर्पित किया गया। न्यायालय ने 11 फरवरी 2019 को संज्ञान लिया। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आरोप गठित किया गया। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बार फिर से झटका लग गया है। तेजस्वी यादव ए टू जेड बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं जिसमें अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति यानी सवर्ण और दलितों के बीच फर्क पैदा करने और चुनाव में भाषण देने के विरुद्ध लालू प्रसाद यादव के आचार संहिता मामले में एक बार फिर से जो केस हुआ था कहीं ना कहीं उसमें उनकी पेशी हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव सवर्णों की बात करते हैं, भूमिहारों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के पुराने केस ने एक बार फिर से उन सवर्णों और भूमिहारों के घाव को खुरेद दिया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं उनके समीकरण में एक बड़ा झोल देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंतजार करना होगा इस समीकरण को लेकर अब सवर्णों की क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, और लालू प्रसाद यादव पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं आचार संहिता उल्लंघन मामले में क्या कुछ इसमें सजा हो पाती है, या लालू प्रसाद यादव बड़ी होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।